मुंबई महानगर पालिका चुनाव में अब महज दो दिन ही बाकी बचे हैं। सभी पार्टी के उम्मीदवार जोरों शोरों से अपने अपने वार्ड में चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। वार्ड नंबर 164 के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रमजान चौधरी को अपने वार्ड की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। समय नेशनल मुंबई तारीख को बताया, सारे लोगों तक और सारे लोगों को दिया कैंडिडेट में और सभी सक्षम में कि एक सही कैंडिडेट नगर के रूप में चुन कर ये फैसला लिया है और सारे लोगों का मन चुका है, सारे लोग तैयार हैं उसके बाद फिर 25 के बाद मतदान के लिए और भारतीय मतों से मैं चुन आ रहा हूँ और मैं को ये विश्वास चाहता हूँ कि मैं के उम्मीदों पर उतरूंगा। अगर बेटा विश्वास करते हैं तो 10% उनके को करने का दूंगा। चार सही मैसेज चला, चार सत्ता का मैं हर का पालन करता हूँ, कानून कायदे के दायरे का काम करती है, संविधान के दायरे का काम करती है और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो विश्वास रख। मैं 19 तारीख सभा खत्म हो जाएगी, बहुत से लोग कोई धर्म के आधार पर, कोई जाति के आधार पर, भाग के आधार पर आपको बांटने की कोशिश कर। मैं अपने वार्ड क्रमांक 164 की को यह आवाहन करना चाहता हूँ, अवेयरनेस दिलाने की चाहता हूँ कि जात और पात के नाम पे आने वाले 20 तारीख को हो सकता है कल ये चालू करे, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, लोगों को आप सिरे से नकार दें और ऐसे लोगों को धुतकार, ऐसे लोग डूब मरना चाहिए चुल्लू भरनी में। हम लोग आपके बीच फिर वही अपना एक भाग करके आएंगे और वाले पार्टी फिर आपको इसी तरह समस्या के अंदर सम्मन कर देंगे। हम लोगों का तो पूरा सपोर्ट है और लोग अपने जी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगर ये करेंगे और काम करेंगे और जो भी बोल रहे हैं वो सब खड़े उतरेंगे। उड़ीसा से हूँ लेकिन की जितनी बातें मैंने सुनी है मुझे लगता है उनका जैसा उनसे नगर सेवक शायद हमारे 64 के लिए हो ही नहीं सकता। उन्होंने जितने वादे किए हैं वो वादे पे उतरेंगे और सच्चाई और हम सब महिलाएं उनका कर रहे हैं।